हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RMG मीडिया टेक एंड DTH में। और आज हम रोटावेटर के बारे में जानने वाले हैं। रोटावेटर एक प्रकार की मशीन होती है जो ट्रैक्टर के साथ में ऑपरेट की जाती है, और इसके द्वारा हम जो मिट्टी होती है खेत की, उस मिट्टी को समतल बनाने के काम में लेते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक किसान के खेत पर जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बने हुए हैं, उन ढेलों को इस रोटावेटर मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उनको बिल्कुल समतल किया जा रहा है। खेतों की जो ज़्यादातर मिट्टी होती है वो हार्ड होती है, और हार्ड होने के कारण वहाँ पर खेती करने में दिक्कत होती है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने ये रोटावेटर मशीन को मंगवाया है। रोटावेटर मशीन उपयोगी और सार्थक मशीन है जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये मशीन इन बड़े बड़े मिट्टी के ढेले जो बने हुए हैं उन ढेलों को बारीक करता नज़र आ रहा है। यहाँ किसान ने जो देसी खाद होता है, गाय का भैंस का जो गोबर होता है, उस गोबर के खाद को खेत में डलाया है, और उसके बाद में इस मिट्टी के ढेलों को इस रोटावेटर मशीन से फोड़ा जा रहा है। इससे बारीक होने के कारण ये खाद के साथ में मिक्स हो जाएगा, और खाद में मिक्स होने के बाद ये जो फसल लगाएंगे या जो भी चीज़ इसमें बोएंगे बढ़िया उत्पादन हमें देने वाली है। और साथ ही साथ मिट्टी में जो नमी होती है और जो इसमें पानी की क्षमता को सहन करने की स्थिति होती है वो इसकी वजह से बढ़िया हो जाती है। काफ़ी किसान भाइयों के खेतों में ज़मीन समतल ना होने की वजह से या मिट्टी के हार्ड होने की वजह से वहाँ पर फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो किसान भाई अगर चाहें तो इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। ये रोटावेटर काफ़ी अच्छी तरह से चलता है, और ये जो मिट्टी के ढेले बने हुए हैं इनको एक समान रूप में डाल देता है। इसके बाद में इसमें आप चाहे पौधे लगाओ, नर्सरी बनाओ या कोई भी फसल बो, वो बढ़िया उत्पादन देगी, और जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस मशीन में जो बड़े बड़े दांते लगे हुए होते हैं वो दांते ढेलों को फोड़ने के साथ साथ में मिट्टी को समतल और बारीक करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ इसको ये एक समान जमाते हैं, जिससे खेत जो बिगड़ा हुआ होता है, खेतों के अंदर मिट्टी ऊपर नीचे होती है, वो भी एक जैसी हो जाती है। ये मशीन खाद को मिक्स करने के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि सामान्यतया हम देखते हैं कि हम जो खाद ज़मीन के ऊपर डलाते हैं वो बरसात के टाइम में बहकर चला जाता है, तो खेत के अंदर
वो मिक्स नहीं हो पाता है, और अगर मिक्स ही नहीं होगा तो वो फसल को फ़ायदा नहीं देगा, और फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर खाद डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लगभग 1.5 बीघा का खेत है जिसमें किसान ने रोटावेटर चलवाया है। ये रोटावेटर थोड़ा महंगा तो पड़ता है लेकिन फ़ायदा भी अच्छा देता है। जैसा कि आपने पहले मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता रखा है, ये देखिए आप कितनी बारीकी से खेत की मिट्टी को एक समान कर रहा है, और जो बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं मिट्टी के वो बिल्कुल बारीक हो गए हैं, और इससे ये खेत बिल्कुल समतल और समान दिखने लगा है। अगर आप किसान भाई हैं तो आप भी अपने खेत पर ये रोटावेटर चला सकते हैं, और आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस किसान भाई ने ये पौधे मंगवाए हैं जिसमें कई वैरायटी के पौधे हैं, जिसमें सीताफल, अमरूद, नींबू और आम, और इसके साथ में ड्रैगन फ्रूट और एप्पल बेर, ये सारी चीज़ें, पपीता, ये सारी चीज़ें इस खेत में ये किसान लगाने वाला है। और ये भाई बगीचा तैयार करवा रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।